वेलकम टू माई चैनल अगेन। और आज आप लोगों को बैकग्राउंड थोड़ा चेंज अलग दिख रहे होंगे, क्योंकि हाँ मैं गुवाहाटी में हूँ और मैं मम्मी के घर में हूँ और ससुराल भी मेरे पास में ही है। तो पहले ही मैं आप लोगों को बोला था कि जब भी मैं गुवाहाटी जाऊँगी तो मेरी और भी कुछ मिथिला चादर की कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, मगर जो भी है थोड़ा बहुत, और बहुत पुराने बहुत ट्रेडिशनल असमिस मेखला चादर कलेक्शन भी है मेरे पास। वो मम्मी की भी थी, अभी मुझे दे दिया गया है ट्रेडिशनली, तो वो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाले हूँ। उसके जो मेरे पास जो भी है मेखला चादर कलेक्शन, वो थोड़ा बहुत कॉटन की कलेक्शन है और थोड़ा बहुत प्योर सिल्क, मुगा सिल्क और पाट सिल्क, मुगा सिल्क की कलेक्शन है। तो सभी जो भी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो फर्स्ट कलेक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो प्योर असम सिल्क की है, प्योर असम सिल्क की जो मेखला चादर कलेक्शन है। और ये हम लोगों की फेरों की, यानी शादी के फेरे लेने के टाइम पे जो पहनते हैं यही है, ये मेन है हम लोगों की, क्योंकि हम लोगों की यहाँ असमिस ट्रेडिशन में हम लोग जब फेरे लेते हैं रिसेप्शन के टाइम पे अलग पहनते हैं, जगह जब हम लोग फेरे लेते हैं आग के सामने तब हम लोगों के व्हाइट और येल्लो, मस्टर्ड येल्लो कलर की कॉम्बिनेशन की ट्रेडिशनल ड्रेस आते हैं, वही हम लोग सभी पहनते हैं। तो ये मेरे हैं फेरे की, ये प्योर असम सिल्क की है मेखला चादर। ये बहुत ही कॉस्टली भी आते हैं, क्योंकि आज से एट नाइन ईयर्स पहले ही इसका प्राइस थी 15,000, अभी तो और भी ज्यादा बढ़ गए हैं शायद, देखिए। और इसकी ये देखिए ऐसे होते हैं, और इसकी जो ये मस्टर्ड येलो कलर की जो पोर्शन है ये इसको गुना बोलते हैं, इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और ये प्योर असम सिल्क की है। तो ये है चादर, तो ये है चादर, और इसकी मेखला दिखाती हूँ मैं। देखिए ये है इसकी मेखला की कलेक्शन। ये बहुत कॉस्टली भी है और हम लोगों के लिए इसकी महत्व भी ज्यादा है, क्योंकि फेरे के टाइम पे हम लोग इसको पहनते हैं। और इसकी ब्लाउज की कलर भी सेम ऐसे ही होते हैं, मैं आप लोगों को ब्लाउज अभी नहीं दिखाऊंगी। ये है फर्स्ट वाला कलेक्शन, सामने लाती हूँ दूसरे वाला, प्योर पात की है ये, इसमें मुगा में पात डाल के इसको बनाया है। ये भी मेरी शादी की टाइम की ही है, इसकी भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है, देखिए आप लोग ऐसे, इसको मोगर बोलते हैं, मोगर की डिजाइन की है ये, और इसकी पूरा बॉडी ऐसे ही डिजाइन की होती है, देखिए आप लोग। ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत है, और इसकी पाड़ी यानी आंचल इस टाइप की है, आप लोग दोनों तरफ से इसको पहन सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत है और इसकी कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगते हैं, देखिए। ये है चादर और इसकी मेखला है ये, देखिए ये मेखला है इसकी, मेखला भी आधे से ज्यादा तक इसकी फ्लावर्स की डिजाइन से मगर की डिजाइन है, और ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं पहनने में भी, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसको। तो ये है प्योर सिल्क की, जिसको मुगा में सिल्क डाल के इसको बनाया है। तो ये है सेकेंड वाली कलेक्शन, ये भी मेरी शादी की टाइम की ही है, थोड़ा वो ओल्ड हो गई है मगर अब भी न्यू जैसा ही हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ज्यादा दिन इसको नहीं पहना है। थर्ड नंबर ये मुगा पात बोलते हैं इसकी,
जो कपड़ा है इस कलर की कपड़े को मुगा और पाट मिक्स करके इसको बनाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और इसकी भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग देखिए, इसमें गोल्डन और ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन में इसको बनाया गया है। ये बहुत ही, ये बुजुर्ग भी पहन सकते हैं और यंग लेडीज भी इसको पहन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है पहनने में। होल बॉडी ऐसे ही कलर में आते हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एलिगेंट है देखने में। कभी कभी कैमरा में इतना फोकस नहीं होते, बट असल में जब आप रियल में देखते हो तब बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये है मेरी थर्ड नंबर वाली ड्रेस की कलेक्शन जो मुगा पाट में है। और इसकी जो मेखला है वो भी सेम है, देखिए आप लोग, होल बॉडी ऐसे ही है। मेखला और सदर दोनों की कॉम्बिनेशन ऐसे ही है, देखिए यहाँ बीच में है भी फ्लावर्स दिया गया है इधर। बहुत ही खूबसूरत है इसकी कलर कॉम्बिनेशन, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसकी ब्लाउज भी सेम ऐसे ही कलर में है। तो ब्लाउज की पीस आप लोगों को नहीं दिखाया अभी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएंगे वीडियो। तो ये है मेरी थर्ड नंबर वाली चादर की कलेक्शन। अब आती हूँ फोर्थ नंबर वाली। ये बहुत ही पुराने हैं, ये भी बहुत पुराने मेखला चादर की कलेक्शन है। ये ब्लू है, ब्लू और गोल्डन में इसकी कॉम्बिनेशन है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, होल बॉडी ऐसे ब्लू में ऐसे फ्लावर की कॉम्बिनेशन है। और इसकी जो आसल है वो भी मगर की जैसा है। ये बहुत पुराना है मगर अभी भी नए जैसे ही लग रही है, देखिए। ऐसे है ये पूरा, दोनों तरफ सेम डिजाइन है चादर की, देखिए आप लोग। ये थर्ड नंबर और इसकी मेखला भी ऐसे है, देखिए आप लोग। ये प्योर सिल्क की है, पाट सिल्क की। तो ये है फोर्थ नंबर वाली कलेक्शन। फिफ्थ नंबर वाली, ये भी बहुत सिंपल है मगर देखने में एलिगेंट है। ये टॉस की है, टॉस की इसको झोड़ा बोलते हैं, मेखला सदर। ये बीच में पूरा ब्लैंक है, देखिए यहाँ जो आसल है वो इस डिजाइन की है और बीच में पूरा पोर्शन ही इसकी ब्लैंक है, यानी खाली है, इसमें कोई भी फ्लावर्स वगैरह नहीं है, दोनों तरफ ऐसे है। ये देखने में थोड़ा केरला स्टाइल की साड़ी की जैसा दिखते हैं, देखिए आप लोग। और इसकी जो मेखला है वो भी सिंपल ही है, ऊपर पूरा सादा है और नीचे की पोर्शन ऐसे है। ये आसामीज ट्रेडिशनल है सभी ड्रेस और बहुत ही खूबसूरत है। हम लोगों की बहुत ही, ये क्या बोलो, हम लोगों की खास है ये ड्रेस, हम लोग यही पहनते हैं। मेखला चादर ही, हम लोग साड़ी पहनना ज्यादा पसंद नहीं करते आसामीज पीपल। अब दिखाती हूँ मेरे सिक्स नंबर वाली कलेक्शन। अब आप लोगों को दिखाती हूँ, ये भी बहुत पुराने हैं मगर बहुत ही प्यारे हैं। ये टॉस में बुआ हुआ है, पात और टॉस को मिक्स करके इसमें इसको बनाया गया है। ये भी, इसकी भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है, गोल्डन और रेड कलर की फ्लावर्स है बीच में और इसकी जो आसल है वो इस तरफ की है देखने में, देखिए आप लोग। देखने में बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत पुराना है मगर अभी भी, क्योंकि हम लोग बहुत इसको संभाल के रखते हैं तो ये बहुत सालों साल ऐसे ही नए ही रह जाते हैं, कभी भी खराब नहीं होते। और इसकी जो मेखला है वो भी बहुत खूबसूरत है, ऐसे है ये। तो ये है
अब आप लोगों से शेयर करने वाली एक मेखला, ये सिर्फ नीचे की पोर्शन है, इसके सादर नहीं है, ये टॉस का है। और इसकी एक खास बात है कि ये पहनने में बहुत साउंड करते हैं। देखिए आप लोग, ये कागज जैसे साउंड करते हैं, क्योंकि इसको धोने के बाद थोड़ा थोड़ा इसकी आवाज कम हो जाते हैं, मगर आप पहले नहीं उलाते हो तो ऐसे आवाज करते ही है इसको। ये टॉस की है, ये भी बहुत खूबसूरत है। देखिए ये सभी असमिस ट्रेडिशनल ड्रेस की कलेक्शन है। ये जब मैंने आप लोगों को दिखाई, ये सभी पाट और मुगा की है। अब मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाऊंगी जो कॉटन की कलेक्शन है, वो भी मेरे पास है थोड़ा बहुत, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी थोड़ा बहुत कॉटन की कलेक्शन भी है, मैं हमेशा, क्योंकि मेखला चित्र हमेशा पाट और मुगा सिल्क ही नहीं होते, कॉटन के भी होते हैं बहुत सारे। तो ये मैंने पिछले साल लिया था, मगर लेके नहीं गए थे, मम्मी के पास ही रह गई थी। तो ये दिखाती हूँ आप लोगों को, ये येलो और पिंक कलर की कॉम्बिनेशन में है, सिंपल है मगर दिखने में बहुत खूबसूरत है। देखिए इसकी बॉर्डर पूरा ऐसा है, बॉर्डर बहुत खूबसूरत है, और पूरा बॉर्डर ही थोड़ा सारे जो भी सीमा है तो इस ऐसे ही है सारों तरफ, और बीच में ऐसे है थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा फ्लावर्स की कॉम्बिनेशन, देखने में ऐसे लगते हैं पहनने में। और इसकी जो मेखला है वो भी सिंपल ही है, इसकी फ्लावर्स की कॉम्बिनेशन भी देखिए आप लोग, ऐसे ही है, मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी। तो ऐसा है इसकी मेखला। अब नेक्स्ट आती है, ये भी येलो और पर्पल कलर पे है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है येलो, ये मस्टर्ड येलो कलर में है देखिए। और इसकी पाड़ी ऐसे है, जो आसल है वो दिखने में ऐसे है, और होल बॉडी में ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स की वो है, सिंपल है ये भी, ये कॉटन की है प्योर, देखिए आप लोग, ये प्योर कॉटन की है। और इसकी जो मेखला है वो भी ऐसे ही है, थर्ड नंबर ऐसे है देखने में, ब्लैक और चॉकलेट कलर में है ये। देखिए इसकी आंचल जो है ऐसे है, और होल बॉडी ऐसे ब्लैक कलर में छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। ये सारे जो मेखला चादर है ये हैंडमेड है, मशीन में नहीं बनाते हैं, हैंड में ही बनाते हैं ये। देखिए ये इसके चादर है, और इसकी मेखला भी ऐसे ही है, तो ये है इसकी मेखला। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है पैरोट ग्रीन कलर की, कॉटन की है, ऐसे पैरेट ग्रीन कलर की है। और इसके नीचे पोर्शन, ये मेखला दिखा रही हूँ आप लोगों को, इसके नीचे पोर्शन ऐसे है, और इसकी जो चादर है वो भी सिंपल ही है, पैरेट ग्रीन कलर में ही है। इसकी जो आसल है वो ऐसे तरफ की है, इस तरह से दिखते हैं, और होल बॉडी सिंपल ऐसे है। तो देखिए आप लोग, तो ये सारे थी मेरी मेखला चादर की कलेक्शन, और छोटा ही है बहुत, इतना कुछ नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादातर सिंपल में ही है, इतना कलरफुल मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसे ही है थोड़ा बहुत जो भी था मैंने दिखा दिया आप लोगों को। क्योंकि और मेरी मैंने और एक वीडियो बनाया था मेखला चादर की कलेक्शन में, वो भी आप लोग अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं मेरी।
ये पार्ट टू होगा। तो कैसा लगा ये कलेक्शन असमीज ट्रेडिशनल ड्रेस की कलेक्शन देख के, क्योंकि हम लोग यही पहनते हैं शादी मेरे सेरेमनी जो भी हो हम लोग यही पहनना पसंद करते हैं, खासकर पात और मुगा की ट्रेडिशनल ड्रेसेस हम लोगों की बहुत ही खास है ये सभी ड्रेसेस। तो कैसा लगा आप लोगों को हम लोग की ट्रेडिशनल ड्रेस की कलेक्शन देख के कमेंट करके जरूर बताना, और आगे भी मेरी ऐसे ही वीडियो देखने अगर आप लोगों को मेरी वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं और उसकी जो टॉपिक्स है वो अच्छा लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों को, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।